पाएंगे कैसे सरकार की योजनाओं में अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजना तक में अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिलना चाहिए वे दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। बुरहानपुर में 150 महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ये महिलाएं एक साल से भटक रही हैं लेकिन योजना में इनका नाम नहीं शामिल किया जा रहा। ग्राउंड जीरो में जानेंगे कि आखिर क्यों इन महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। बात गरियाबंद की भी करेंगे। यहां ग्रामीण जर्जर पुल पर सफर करने को मजबूर हो चुके हैं। पुल की मांग सालों से की जा रही है लेकिन अब तक नया पुल नहीं बन सका। सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, गणेश कुमार बुरहानपुर से, वो हमें जानकारी देंगे। तो वहीं शेख इमरान गरियाबंद से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लाडली बहना योजना एमपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। देश भर में योजना की तारीफ की जाती है। कई राज्यों में लाडली बहना के तर्ज पर योजनाएं भी शुरू की गई लेकिन सरकार की शानदार योजना में अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। जिन बहनों के लिए ये योजना शुरू की गई वो दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। मामला बुरहानपुर का है। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पातुंडा का है। 150 महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ये महिलाएं मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती हैं। लाडली बहना योजना पर इनका अधिकार है लेकिन ये महिलाएं बीते एक साल से अपना योजना में दर्ज नाम दर्ज कराने के लिए भटक रही हैं। इन महिलाओं ने पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक गुहार लगाई लेकिन अब तक इनका नाम योजना में शामिल नहीं किया गया। ये महिलाएं जब पंचायत जाती हैं तो कहा जाता है कि योजना का पोर्टल बंद है। ये महिलाएं कलेक्ट्रेट भी जा चुकी हैं लेकिन अब तक इनका नाम दर्ज नहीं किया गया। लाडली बहना योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है लेकिन अधिकारी इन महिलाओं का अधिकार छीन रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के दम पे भाजपा ने सरकार बनाई लेकिन बुरहानपुर जिले के पातोंडा गांव में ऐसी कुछ महिलाएं हैं जिनको आज भी लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वो बीते एक सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रही है लेकिन उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला है। हमारे साथ में इस वक्त वो महिलाएं मौजूद है। जी बताइए, लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं, 12 महीने हो गए हमको मिला नहीं है। जी क्यों नहीं मिला है? हमने सब कागज भी दिए, वो पंचायत में भी गई है, कलेक्टर ऑफिस में भी गए पर नहीं मिला हमको। हमारे सुनवाई नहीं कोई ले रहे। आपके पास में सब कागजात है? हाँ, सब कागजात है, तो पूरे वो के ना हमारे कागजात 2-3 दिन भरे हमने पर नहीं दिला, मिला नहीं हमको कुछ। हम भी हाथ मजदूरी वाले हैं। जी हमारे साथ में और महिलाएं मौजूद है। जी दीदी बताइए, किस तरह से परेशान हो रहे लाडली बहना योजना के लिए? हमने सब कुछ फॉर्म भरे, जब भरने को जा रहे थे ऐसे बता रहे थे इसमें प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम है, फिर हम भरने को गए तो बोले KYC करके लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ, फिर गए तो फिर बंद हो गया, फिर हमको दोबारा मिला नहीं, बोले बंद हो गए भरने इसके। फिर हमने भी रख दिया फार्म अलग से एक साइड से, फिर अभी क्या करें, एक साल हो गया फिर मिल नहीं रहा है। क्या लगता है कि आपने भी चुनाव के समय वोट किया, विधानसभा चुनाव में भी मतदान किया, लोकसभा चुनाव में भी मतदान किया, उसके बावजूद भी जो है आप ही ऐसे हो कि आप वंचित रहेंगे योजना से, क्या कहना चाहेंगे नेताओं को लेकर? सभी बहना है ना, ऐसे ऐसा बहुत सारी बहनाएं हैं जी, उनको मिल नहीं रहा है। आपके गाँव की कितनी महिलाएं हैं? हो गया ऐसे 300-400 महिलाएं होंगी। जब जी हाथ मजदूरी करते हैं? हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे को पैसे ये मिल रहे नहीं है, या हम कर रहे हैं ना तो ये कागज जमा कर रहे तो वापस भेज रहे घड़ी घड़ी, और वो बोल रहे कि ये कागज तुम्हारा ये नंबर नहीं है वो नहीं है, ऐसे बता रहे, बहुत चक्कर खा रहे मगर वो बता रहे नहीं, और जाके भी वापस कर रहे तो वो बोल रहे कि अभी ये बंद हो गया, अभी चालू नहीं है, बोले बाद में भरेंगे, तो हमारे कागज साइड में डाल रहे तो ले रहे नहीं वो कागज। तो अफसरों ने ये नहीं बताया आपको कि आपके कोई कागजी कार्रवाई जो है अपूर्ण है या सब बराबर है? हाँ बराबर कागज है। क्या क्या कागज है आपके पास में? आधार कार्ड की फोटो कापी है, समय देखे है, खाता नंबर है, ये पूरे कागज है हमारे कने, मगर वो कागज नहीं ले रहे हमारे, तो फिर जाके वापस आया, फिर जाना बंद कर दिया हमने की चक्कर खिला रहे तो काय को जाएंगे आप। दीदी ये बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी राखी का तोहफा दिया है लाडली बहनों को लेकिन आपको नहीं मिला है? नहीं भैया कुछ मिला नहीं है जी।
आप बताइए, लाडली बहना का अभी तोहफा मिला राखी का, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जो है उन्होंने अभी सभी बहनों को जो है 250 रुपए दिए खातों में, आपको मिले? नहीं मिले। तो क्या लगता है आपके साथ में कोई भेदभाव हो रहा है? हमारा कागज भी जमा करे लेकिन लिए नहीं। लाडली बहनों का कहना है पाटुंडा गांव की कि उन्हें भी जो है वो लाडली बहना योजना का लाभ मिले। उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में वोट किया है, लोकसभा चुनाव में वोट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे ही दम पे जो है वो सरकारें बनी है और इसी गांव की दर्जनों महिलाएं थी कि जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला है, वो भी चाहती है कि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले और वो अपने घर परिवार को जो है वो अच्छे से संचालित कर सके। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18 बुरहानपुर। अभी हमको जनसुनवाई में एक आवेदन मिला है पाटुंडा गांव का, ये महिलाएं हैं, 10-15 महिलाएं आई हैं। इनका ये कहना है कि हमारे को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इन लोगों ने फॉर्म भी भरे थे, अब हम इसकी जांच करवाते कि क्यों नहीं मिल पा रहा इनको, है ना। तो कई सारी महिलाएं जो हैं दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं कि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। लाडली बहना का जो पैसा बाकी बहनों के खाते में जाता है उनके भी खाते में आए और वो इसका इस्तेमाल कर सके। पर कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये लाभ नहीं उठा पा रही, उनके अकाउंट एक्टिवेट नहीं किए गए हैं। बात करेंगे, हमारे सहयोगी गणेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, उद्देश्य था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि सशक्त महिलाओं को बनाया जाए, उनका पोषण आहार अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन्हें मदद मिल सके, एक लमसम पैसा उन्हें दिया जाए और यही उद्देश्य रख करके हर महीने खाते में पैसे आते हैं। पर इसी योजना को पलीता कुछ अधिकारी लगा रहे हैं, लंबे वक्त से कई महिलाएं भटक रही हैं। ये तो बुरहानपुर की बात है, अगर ऐसी तस्वीर यहां पर है तो बहुत सारी जगह ऐसी महिलाएं होंगी जो वहां पर भी परेशान हो रही होंगी। जी रितु, बताना चाहूंगा कि जिन लाडली बहनों के दम पे मध्य प्रदेश में भाजपा ने सरकार बनाई, उन्हें लाडली बहनों को बुरहानपुर जिले के पाटुंडा गांव में है ये बहनें जो है वो उपेक्षा का शिकार बन रही है। हमारे साथ में ये वो महिलाएं मौजूद है जो 150 रुपए हाथ मजदूरी के लिए खेतों में जाती है या हाथ ठेले चलाती है और 150 रुपया कमाती है और अपना घर परिवार का जो है संचालन करती है। इन महिलाओं की भी अपेक्षा है कि उन्हें भी लाडली बहना योजना का लाभ मिले, लेकिन इन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब ये दफ्तरों के चक्कर काट रही है। दीदी, कितने दिनों से दफ्तरों के चक्कर काट रही है लाडली बहना योजना के लिए? मैं 12 महीने से चक्कर काट रही है। हमारे पंचायत में भी गए और कलेक्टर ऑफिस में भी गए, तहसील में भी गए, लेकिन मेरा फॉर्म कोई पास नहीं कर रहा है, कोई हमारी बात सुनता भी नहीं है। क्यों नहीं सुनते? आपने कोई उनसे बात नहीं की? फिर करी ना हमने बात, सब बात करे, हमने इसी को बोले उसी को बोले, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। नहीं बोले अभी फॉर्म भरने की तारीख चली गई, बोले अभी नहीं भरना भर पाएंगे, बोले तुम्हारा फॉर्म साल भर से चक्कर काट। हाँ, साल भर के चक्कर काट रहे। कौन कौन से कार्यालय में गए थे? हम तहसील कार्यालय में, कलेक्टर ऑफिस में गए थे और हमारे पंचायत में गए थे, पाटुंडे की पंचायत में, वहाँ पर भी कोई हमारी सुनवाई लेती नहीं है। दीदी जी, बताइए क्या परेशानियाँ हो रही है, लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है? फिर हमारे को पैसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम भी ये कर रहे हैं कि हमारे को पैसा मिलने को ना, आधी बहना को दिए आधी बहना को दिए नहीं उन्होंने, फिर हमारे को भी पैसा मिलना चाहिए, ऐसी बात है। इसके लिए हम भी लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे की बहना सभी बहना क्या 21 बहन है, सभी सब बहना हमारे को हमारे खाते में भी पैसे आना चाहिए। कौन कौन से विभागों में आप जा चुके हो? हम वो कलेक्टर ऑफिस में गए थे उस दिन, तो फिर हमारी सुनवाई कोई नहीं ले रहा है। वहाँ गए, जब से ये काम चालू होगा तभी खुल जाएगा तो सबका हो जाएगा, किसकी बहू रही है, किसकी बेटी रही है, सब घर परिवार के एक एक घर में के दो दो तीन तीन रहे। जी बिल्कुल, महिलाएं काफी परेशान है। आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश झमाझम बारिश चल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ की महिलाएं जो है अपने अधिकार के लिए इस भरी बारिश में जो है यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए खड़ी है और न्यूज 18 से बात करिए ताकि उनकी समस्या का हल हो सके। दीदी बताइए कि किस तरह से परेशानियां हो रही है, आपको लाडली बहना का योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला है हमारे को। ये 100-150 रुपए रोज कमाते और बच्चे को खिलाते, लेकिन कोई ये कागज भरने को भी ज्यादा था गरीबी, ये देखते नहीं, वो ऐसे बोलते कि अभी फार्म भरो ना, फार्म भरने को गए तो बोलते अभी फार्म की ये स्कीम बंद हो गई है बोले। कैसा कैसा लगा था जब चुनाव थे, जब नेता लोग आपके दरवाजे पे आते थे, बताते थे कि हम आपको इस योजना का लाभ देंगे, आपको पैसा मिलेगा, लाडली बहना का लाभ मिलेगा, तब कैसा महसूस किया था? क्या खुशी थी मन में? खुशी थी ना जी। और अर्चना दीदी बोल रही थी कि फिर वोट दो, फिर हम काम करेंगे, फिर काम करना चाहिए ना, कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे, पंचायत में गए थे जी, फिर करना चाहिए ना, सब लाडली बहना है ना,
जी सब लाडले बहनों को मिलना चाहिए। क्या लगता है माता जी, क्या कोई भेदभाव हो रहा है आपके साथ में? नहीं कुछ नहीं है। नहीं, लाडले बहना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमारे से। जी जी दीदी बताइए कि क्या कितनी परेशानियां हो रही है आपको, आप दफ्तरों के चक्कर काट रही हो आप? फिर खेत में जाओ, खेत में से आओ और वापस जाओ, पैसा खर्च करना पड़ता है, बच्चे उनको पालन पोषण करना पड़ता है, पति नहीं है और फिर भी बहुत दिक्कत होती है। तो हम सब बहने हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, सबको घूमना चाहिए। कलेक्टर ऑफिस भी गई थी मैं और पंचायत में गई थी, ग्राम पंचायत में गई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि हो जाएगा, नहीं होगा कल होगा। फिर तो स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना की शुरुआत तो हो गई, कई लोगों को लाभ भी मिल रहा है, पर कई ऐसी महिलाएं भी है जो इससे वंचित है और लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रही है, पर यह पता नहीं कि कब आखिर इनके भी अकाउंट में पैसा आएगा और वो खुशी इन्हें भी मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बारिश की हम बात करते हैं। मौसम में लगातार मौसम में बदलाव देख रहे हैं और आपको बता दें कि जर्जर पुल पुलिया पर अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जहां नदी नालों पर बने पुल जर्जर हो चुके हैं, लोग जान जोखिम में डालकर इन पुलों को पार कर रहे हैं। गरियाबंद के फिंगेश्वर में भी ऐसा ही एक पुल है, रवेली गांव की तरफ जाने का पुल जर्जर हो चुका है। इस पुल को पार करना खतरनाक है, लेकिन ग्रामीण से लेकर स्कूली बच्चे तक मजबूर हैं, इस पुल से उन्हें सफर करना पड़ता है। यहां नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण का कार्य कछुए की चाल से चल रहा है। लोग 4 साल से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल नहीं बन पाया। रवेली में पुल टूट जाने की वजह से देखिए कि कैसे स्कूली बच्चे और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम स्कूली बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो ऐसे अपने जान जोखिम में डालकर वो इस पुल को पार करते हैं। तमाम ग्रामीण अपने जान जोखिम में डालकर पार करते हैं, बच्चों से ही जानेंगे आप लोग रोज इसी तरह पुल को पार करते हैं? हम लोग अपने जान को जोखिम में डालकर पुल को पार करते हैं। क्या क्या परेशानी होता है गांव में आने जाने के लिए और कितने रास्ते हैं और वहां की क्या स्थिति है? नहीं है रास्ता, एक ही रास्ता है यही, और पुल टूट गया है, तो हम लोग अपने जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं और कई बार फिसल कर भी गिर गए हैं। बेटा ये बताएंगे कि जब बाढ़ आ जाता है तो और कोई रास्ता है जाने के लिए? हम लोग नहीं जा पाते 2-3 दिन। तो देखिए कि बाढ़ आता है तो बच्चे इस पुल को पार नहीं कर पाते और 2-3 दिन तक स्कूल नहीं जाते, बच्चे जो इसी तरह जान जोखिम में डालकर जाते हैं। भैया गांव के आने जाने के लिए 3 जो पुल है उसकी स्थिति क्या है? तीनों पुल है वो खराब है और हमारे ये रवेली के हम लोग निवासी हैं, हमारे बच्चे जो है यहाँ से मुख्यालय 3 किलोमीटर जुड़ा हुआ है और स्कूल जाने में बच्चों को जाम में जोखिम में डाल करके स्कूल जाते हैं। लगभग 4 साल हो गए पुल जो है, शासन प्रशासन से अवगत कराते हैं लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। गांव में एम्बुलेंस वगैरह आता है अगर कोई चीज तबियत? नहीं, बहुत समस्या होता है पुल टूटने के कारण, 8-10 किलोमीटर और घूम कर आना पड़ता है दूसरे रास्ते से। देखिए कि गांव तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाता, स्थिति आलम यह है कि गांव के आसपास जो 3-4 और पुल है वो भी टूटा पड़ा हुआ है, तो इसी तरह पुल में जो गड्ढे हैं यहाँ इसी तरह जान जोखिम में डालकर ना केवल स्कूली बच्चे बल्कि ग्रामीण भी इसे पार करते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? और 4 सालों तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है, तो बस सवाल उठता है कि आखिरकार ग्रामीण की जान की सुरक्षा कौन करेगा? News18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, ऐसी स्थिति बनी हुई है, लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, पुल को पार कर रहे हैं, जर्जर हो चुका है पूरी तरह से, क्या कहते हैं जिम्मेदार, कब तक आखिर बनेगा, इतने लंबे वक्त से गुहार लगाई जा रही है? जी बिल्कुल, एक लंबे समय से गुहार लगाई जा रही है और मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, स्थितियाँ दिखा देना चाहता हूँ। काफी तेज बारिश हो रही है, पुल को देखिए जो पूरी तरह से टूट गया है और टूटने की वजह से स्कूली बच्चे से लेकर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। और इस गांव में जो है रवेली बेलर और बारूला, यहाँ 3 पुल बन रहे हैं, तीनों पुल जो है वो टूट गया है। ग्रामीण देखिए भारी बारिश में यहाँ पर अपनी समस्या बताने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ग्रामीण की बात करेंगे, भैया अब तो बारिश हो रहा है, बारिश होने पर उफान आ जाएगा तो कितना डर बना हुआ है? बहुत डर बना है, बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, अभी बारिश हो रही है
इसके बाद ज्यादा बारिश होगी तो हम लोग को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होगा, तो शासन प्रशासन से यही मतलब गुहार लगाते हैं तो जल्द से जल्द से हमारे स्कूली बच्चे को हम ग्रामवासियों को आने जाने में सुविधा हो। जी मांग किया हो तो कोई अधिकारी सुने हैं अब तक आपकी बात? कोई सुनवाई नहीं हुआ? कितने साल से मांग कर रहे हो? 3 साल से मांग कर रहे हैं। कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ पर? अब तो बारिश हो रही है, अभी बारिश होता है तो अगर बाढ़ आता है तब गांव की स्थिति क्या होती है? बंद हो जाता है, बहुत दिक्कत। क्या होता है? आपको तबियत खराब हो गया ना, आने जाने में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी जी। कितने हादसे हो चुके हैं भैया यहाँ पर? कई हादसे हो गए हैं लेकिन बात मिला है तो इलाज करवाते हैं, दूर जाने का। तो कई साल बीत चुके हैं और इसी तरह हर साल स्थिति ऐसी रहती है, लोग यहाँ पर जान जोखिम में भी डालते हैं, पर जो जिम्मेदार हैं शायद इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे और कोई बड़ा हादसा ना हो ये भी लगातार आशंका है। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और इसी के साथ ही